अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। सियासी मंज़रनामे में एक बार फिर सियासी हलचल। नवाज शरीफ आज बहुत दिनों बाद मुतहर्रिक नज़र आए। आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप एक्टिव नज़र आएगी। क्या नवाज शरीफ साहब इनकलाबी सियासत की तरफ कदम रखेंगे? चूँकि इलेक्शंस से पहले और फिर इलेक्शन वाले दिन, जो इलेक्शन के दूसरे दिन विक्ट्री स्पीच के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब बैकफुट पे नज़र आए। अब आज उन्होंने दौरा भी किया और पंजाब में महंगाई के वाले से और ख़ास तौर पे सस्ती रोटी के वाले से तंदूरों का विज़िट किया। क्या आने वाले दिनों में वो सियासी मंज़रनामे में एक दफ़ा फिर एक्टिव नज़र आएंगे, और क्या वो जारहाना सियासत की तरफ एक बार फिर कदम रखेंगे या नहीं, इसके ऊपर भी बात होगी। और ख़ास तौर पे जब हम इस दौर की बात कर रहे हैं, तो माजी में फैज़ाबाद धरना एक बड़ा मशहूर ज़माना ये धरना था, और इसके हवाले से बड़ी क्यासराइयत थी। इंक्वायरी कमीशन ने इस पूरे मामले में जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी, जो सबक DGISI थे। और चूंकि बहुत इसके ऊपर बातें भी हुई, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में उस वक्त की हुकूमत जो है वो इन्वॉल्व थी, और ये सारा कुछ उसी ने ही करवाया। और इस बयान में जो उन्होंने कमीशन को दिया था, वो बयान भी सामने आ गया, और उसमें उन्होंने बताया कि ज़ाहिर है ये जो धरना था, इसको मनज़म करना या ऑर्गेनाइज़ करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं थी। हमें नहीं पता ये फ़ंड्स कहाँ से आए। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि किसी भी तरह ये जो धरना है उसका खात्मा हो। और उसमें उन्होंने कहा कि जी 2017 में हुकूमत ने वज़ीर आज़म की सरबराई में धरना ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी दी थी, और माहदे पर दस्तखत इसलिए किए क्योंकि तहरीक लबाइक वाले माहदे पर आर्मी चीफ़ के दस्तखत चाहते थे। जबकि उन्होंने कहा माहदे पर दस्तखत की जो इजाज़त है वो ISI चीफ़ और आर्मी चीफ़ ने दी थी, यानी उस वक्त के। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि धरना मुनज़्ज़म नहीं बल्कि ख़त्म कराया था, जबकि तहरीक लबाइक माली मामलात की तहकीक नहीं की क्योंकि वो हमारे मैंडेट में ही नहीं था। अब इस पूरे मामले में मामला उस वक्त की पंजाब हुकूमत और उस वक्त की हुकूमत के ऊपर जाता है, और उसी को ज़िम्मेदार भी करार दे दिया। देखना ये कि अब अगली पोजीशन क्या होती है। इस वक्त की अगर हम बात करें मौजूदा सूरत हाल में, IMF प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं और महंगाई की बात करते हैं, और साथ ही साथ जब हम मौजूदा हालात की बात करते हैं, तो इस वक्त चूँकि कहा यह जा रहा है कि ईद के बाद जो एक प्रेशर बिल्ड हुआ, और साथ ही साथ जो हम बात कर रहे हैं सियासी मंजरनामे की, तो उसमें जो बड़ी तब्दीली ये आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन की दिगर जमातें हैं उनका जो इत्तेहाद है वो पावरफुल होता हुआ नज़र आ रहा है, और एक मोमेंटम गेन कर रहा है। हुकूमत बैकफुट पे नज़र आ रही है। इस पूरे अमल पे बात करेंगे। ज्वाइन किया हमें जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने, सीनियर कानूनदान भी हैं और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वैसा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। ज़फ़ीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। वैसा एक तो ये कि इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये आवाज़ें भी आ रही हैं कि खान साहब की वापसी हो रही है, और बड़े अच्छे तरीके से वापसी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कोई डील का नतीजा है। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि चूंकि केसेस जिस तरह के सामने बने थे, उस वक्त भी हम बात कर रहे थे, जिन मकासद के लिए बनाए गए थे, उसके ऊपर भी बारखा बात हुई, आप भी हमारे प्रोग्राम्स में ये बात करते रहे। वो ज़ाहिर मकसद हासिल कर लिया, हुकूमत किसको मिलनी थी, कैसे मिलनी थी, मैंडेट का क्या बनना था, वो सारी चीज़ें हो गई। तो अब आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ, आज बैरिस्टर घोर साहब कह रहे थे कि डील पे हम यकीन नहीं रखते किसी भी तरह की, और ना ही बानी PTI की किसी के साथ कोई लड़ाई है। आप किस तरह देखते हैं, और क्या जल्द कोई खुशखबरी इस वाले से मिलने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत से लोगों की नींदें हराम रही हैं जी पिछले कई हफ्तों में, क्योंकि हर तरह का प्रेशर खान साहब पे डाल दिया गया, मगर फिर भी खान साहब जो हैं उन्होंने किसी भी किस्म की जो डील है वो करने से जो है वो इनकार कर दिया। और जाहिर है अगर तो पर्पस सिर्फ ये होता कि जी 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वही सिर्फ खान साहब को हरवाना है, तो फिर तो मुकम्मल हो गई थी। लेकिन असल में मसला ये है कि किसी भी तरह से PTI को कंटेन करना है, क्योंकि 8 फरवरी को जिस तरह से रिकू किया है पार्टी ने, तरीके इंसाफ ने,
वो बहुत से लोगों के लिए जो है वो बड़ा एक सरप्राइज था, बड़ा चौक था। तो मैं नहीं समझता कि खान साहब कोई डील करने को तैयार हैं, लेकिन अब जाहिर है कि सिविल केसेस है, कि हम कई दफा जफीर साहब हम डिस्कस कर चुके जी हैं जी। इस बात को कि वो केसेस हैं ही इस टाइप के, कि वो जो छोटी अदालतें हैं वो तो आपने मैनेज कर ली, और मैं बड़ा खुल के बोल रहा हूँ ये ठीक बात है। कि वो अदालतें आपने मैनेज कर ली, मगर जब सुपीरियर कोर्ट में आए तो आपने वो 6 जजेस का लेटर तो आपके सामने है, आपने मैनेज करने की कोशिश की, मगर वो मैनेज जाहिर है हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट मैनेज नहीं होती। तो जो भी रिलीफ मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अदलिया से ही मिल रहा है, और जब उन केसेस में है ही कुछ नहीं, यानी इतने घटिया किस्म के और पर्सनल लेवल के केसेस बनाए गए हैं कि उसके अंदर है ही कुछ नहीं, तो वो जाहिर है खान साहब ने बाहर तो आने ही आने। मैं आपको आज बताता चलूं कि हमने कराची में एक जलसा करना है, उसकी परमिशन हमें 4 हफ्ते से नहीं मिल रही थी, आज अल्लाह का शुक्र है कि सिंध हाई कोर्ट ने जो है उसके ऊपर ऑर्डर्स पास किए, तो हर तरह का जो रिलीफ है। वैसे साहब, चूंकि मैंने आगे इस पे आना था जलसों के हवाले से भी, और हमने आपकी प्रेस टॉक देखी भी है, ज़रा आप कोशा हैं किसी तरह परमिशन मिल जाए, आप कोर्ट भी चले गए, वजह क्या है, क्यों जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही, कोई रीज़न भी तो दी जा रही होगी कमिश्नर साहब की तरफ से? अरे अगर कोई रीज़न होगी तो फिर साहब रीज़न तो तब दी जाएगी ना, वो एक पंजाबी नहीं तो नो कहने के लिए भी तो कोई बहाना चाहिए होता है ना। नहीं नहीं वो एक पंजाबी में कहते हैं ना कि वो सास को बहू के खिलाफ जब कुछ नहीं मिलता तो वो कहती है कि आटा गुंदे हेल्दी क्यों है, तो ये बस रीजन यही है कि आप तरीके इंसाफ से क्यों है, और इसके अलावा क्या रीजन होना है जफीर साहब? ठीक, तो अब आप होपफुल हैं कि अब कोर्ट में जाने के बाद मामला परमिशन का हल हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ गैदरिंग करने में कामयाब होगी? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और लोगों की रात की नींदें जो हैं वो हम उड़ाने लगे हैं। आप देखिएगा कि जिस कराची ने मैंडेट दिया है और 20 सीटें दी हैं, वो हम किस तरह से उस वो कराची जो है वो हमारे लिए निकल के आते हैं। ठीक है, नहीं कराची हमेशा निकला भी है, चाहे आपकी बार हो इससे पहले भी हमने देखा कि कराची वाले निकले। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि कल अली जैदी साहब ने भी एक टीवी इंटरव्यू दिया काशिफ बासी साहब को, फवाद चौधरी साहब बाहर आ चुके हैं, वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, बड़े कलीदी अहदों पर फायज रहे, उनकी भी ऐसा ऐसा वापसी हो रही है, उनके जो बयान हैं वो भी टिल्ड हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, अब ज़रा लीगल फोरम की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, पार्टी के अंदर इस तरह की कोई डिस्कशन हुई कि जो लोग इस तरह के हैं जो हमदर्दी रख रहे हैं किसी मजबूरी या बहुत सारे इश्यूज़ हैं ज़ाहिर है, तो इनको वापस लेने की पॉलिसी का भी कोई डिस्कशन हुई कि क्या पॉलिसी होगी? वो लोग जो रूपोश हो गए थे तो वो तो समझ आता है, लेकिन जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी वापसी के कोई रास्ते खुले हैं? देखिए बात जफीर साहब बड़ी सिंपल है, फैसला खान साहब करेंगे। ठीक, जाहिर है खान साहब जेल से आएंगे तो फैसला करेंगे, जो उनका फैसला होगा उस फैसले के आगे तो जाहिर है कोई नहीं बोल सकता, किसी की जरूरत नहीं है कि खान साहब के फैसले को किसी भी तरह से चैलेंज करे, मगर 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 मैं जफीर साहब आपको ये बताता चलूं कि अगर इन लोगों को जो प्रेशर के टाइम पे छोड़ गए अगर वापस लिया तो मेरे लिए जाहिर है कि एक डिसअपॉइंटिंग बात होगी, और अगर मुझसे जो है ओपिनियन मांगा गया पार्टी की तरफ से तो मैं तो यही कहूंगा कि जी देर इज नो वे दैट दीज पीपल शैल बी टेकन बैक इनटू द पार्टी। देखिए हम भी तो जफीर साहब हैं ना, मेरी आपको पता है कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, ज्यादा अमीर आदमी हूँ भी नहीं, मेरी गाड़ी तोड़ दी गई, मेरे ऊपर एक ऐसी FIR काटी गई थी जी जी। जिसके अंदर के मैं जो हूँ वो था ही नहीं, मौजूद ही नहीं था उधर, मैं तो घर पे सोया हुआ था, तो मेरे ऊपर FIR काट दी गई, मुझे मैसेजेस भिजवाए गए कि किसी भी सूरत जो है वो आपने PTI की वकालत जो है वो नहीं करनी। ठीक, इट इज फॉर दीज रीजन के हमने भी तो ये प्रेशर बर्दाश्त किए है ना, तो जब हमने ये सब कुछ बर्दाश्त किया है तो ये कैसे हो सकता है कि हमारा दिल इस बात से मान जाए कि जो भाग गए थे छोटे छोटे मुफादात के लिए अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, हम तो फिर गरीब आदमी है, वकालत बर्बाद करके बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुकूमती छोड़ के बैठे हैं, तो जिन लोगों के अरबों करोड़ों रुपए के एसेट्स हैं अगर वो भाग गए तो हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जफीर साहब उनको कि वो पार्टी में वापस आए? लेकिन मैं फिर से आपको बताता चलूँ कि अल्टीमेटली मेरी ये फीलिंग्स हैं, लेकिन फाइनल फैसला खान साहब का है,
अगर खान साहब कहेंगे कि पार्टी में वापस लाना है तो ऑब्वियसली दे विल कम बैक टू द पार्टी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बैरिस साहब, चूँकि ये काफ़ी अरसे से इसके ऊपर बातचीत भी हो रही थी, फैज़ाबाद धरना इसके ऊपर बहुत बातें भी हुई, किसके कहने पे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। आज कमीशन ने, इंक्वायरी कमीशन ने क्लीन चिट दे दी जनरल फैज़ अमीर साहब को, और फैज़ अमीर साहब का जो बयान है वो भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि उस वक्त ज़ाहिर है हमारा जो जिम्मेदारी दी गई थी उसके मुताबिक हमने ये काम किया, और पूरी जिम्मेदारी जो इसकी थी वो पंजाब हुकूमत और उस वक्त की हुकूमत की थी। जो आज हुकूमत में उस वक्त भी यही जिम्मेदार थे। बीइंग अ लॉयर इसको किस तरह देखते हैं आप? बैरिस साहब से हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया, कोशिश करेंगे कि दोबारा रब्ता हमारा बहाल हो सके, उनसे जानेंगे कमीशन की रिपोर्ट को वो किस तरह देखते हैं। इसके ऊपर बहुत बात भी हो रही है, इस पूरे मामला जो मामला है वो सीधा अब चला गया है उस वक्त की हुकूमत और यानी मौजूदा हुकूमत, उस वक्त मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत थी पंजाब में भी और यहाँ सेंट्रल में भी। आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत है और हुकूमत के ऊपर ये जिम्मेदारी है। क्लीन चिट मिल गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद भी उस वक्त की जाती थी और बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा इनफैक्ट किया गया, लेकिन आज कमीशन की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है साबिक जनरल फैज़ अमीर साहब को, और अब वो सारा जो प्रोपेगेंडा था वो इख्तिताम पसीर हुआ। इस पूरे अमल में चूँकि एक वक्त ज़रूर लगा, तहकीकात अब सामने आ गई हैं और जिम्मेदारी कमीशन ने कहा कि ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो उस वक्त की जो हुकूमत थी उसकी बनती थी, इसमें कोई भी किसी किस्म का जो जो रद्दअमल था या जो प्रोपेगेंडा था वो उसमें उसको डिफ्यूज़ किया है। दूसरी तरफ इस हवाले से जो वज़ीरे दिफा है मौजूदा जनाब आसिफ, ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा कि फैज़ाबाद इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर वो तबसरा कर रहे थे कि रिपोर्ट की कोई वक़्त नहीं है, ये रिपोर्ट ना तो मुस्तनद है और ना ही काबिले भरोसा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, बैरिस्टर अली ताड़ साहब हमारे साथ पहुंचे हैं। बैरिस्टर सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, मैं बिल्कुल सुन पा रहा। बैरिस्टर साहब मेरा सवाल आपसे ये था कि फैज़ाबाद धरना इसके ऊपर बहुत बात हुई, मुस्लिम लीग नून तनकीद भी करती रही कि ये हमारे खिलाफ था, उसके ऊपर उन्होंने एक बयानिया भी सेट किया था आपको याद होगा, फिर 5 का टोला और उसमें दो जो हमारे सबक जनरल्स हैं उनके नाम ले लेके जलसों में बात होती रही। आज ज़रा क्लीन चिट मिल गई है उस सबक जो जनरल है फैज़ अमीर साहब को इंक्वायरी कमीशन की तरफ से, चूँकि लीगल अफेयर्स को आप बहुत बेहतर जानते हैं, किस तरह देखते हैं इस रिपोर्ट को? ख्वाजा आसिफ साहब तो ये कह रहे हैं कि इसकी कोई वक़्त नहीं है इस रिपोर्ट की और इस क्लीन चिट की। आप मुझे फुल टॉस कराते हैं और फिर आप मुझे ये भी कहते हैं कि मैं उस बॉल को जो है वो टक कर दिया करूं। अब आप देखें ना कि अब, लेकिन जरा मुझे आप जरा मौका दें कि मैं इस बॉल पे एक छोटा सा शॉट मार लूं। सर आप, आपके पास भरपूर मौका है भाई साहब, आप इसको ग्राउंड से बाहर ले जाएं, आप इसको लेफ्ट कर दें, आप सिंगल करें। देखें देखें जी, देखें जी, बात ये है नंबर वन कि ये फैसला किसी सूरत फैज अमीर साहब के हक में नहीं आया। फैज अमीर साहब जेरे साहब थे, हैं और फॉर द कंसिडरेबल फ्यूचर एटलीस्ट नवंबर 2025 तक वो जेरे साहब रहेंगे। तो जरदारी साहब के वर्ड्स बोरो कर लेता हूं कि वो खुडे लैंड लगे। मगर ये जो एब्जॉल्व किया है वो किया है उस ओहदे को, DGISI के ओहदे को, क्योंकि जाहिर है कि वो एक इंस्टीट्यूशन है और वो अपने ऑफिसर्स को एंड तक जाकर बचाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा कि मुझे पाकिस्तान की फौज ने मुल्क से बाहर निकाला वरना शायद नवाज शरीफ ना छोड़ता। और दूसरी तरफ ये जो शरीफ बरादरान है, मैं मुझे इन पर तरस आना शुरू हो गया है जफीर साहब, अल्लाह की कसम, मैं आज मुझे इतना तरस आया कि आप सोच नहीं सकते मैं कोई सख्त जुबान इस्तेमाल ना कर जाऊं। क्या फायदा ऐसे वजीर आजम होने का कि आपका ही कमीशन पकड़ के सारा ब्लेम आप ही के ऊपर डाल दे और सारा कुछ तो शहबाज शरीफ के ऊपर डाल दिया है।
यानी इतनी जलालत है, अगर प्राइम मिनिस्टरशिप लेनी है तो मैं तो कहता हूँ ऐसी प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर बंदा 100 दफा थूक दे, और शायद यही वजह है कि खान साहब ने ऐसी प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर जूता मारकर वो बाहर आ गए, वरना अदरवाइज तो फैजाबाद वैसे अब आपकी आपकी बात ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये यही लोग थे ना जो मैंने शुरू में भी आपसे अर्ज की कि तनकीद कर रहे थे, नाम ले रहे थे, अब सारी चीज़ें सीएम पंजाब इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, पंजाब मुस्लिम लीग नून के पास था, तो ये सारी चीज़ें तो उन्हीं के पास थी, अब उन्हीं की जिम्मेदारी भी हो गई है और आज ये ऐलान भी हो गया आपके सामने ही है, तो अब इसके ऊपर नून लीग का रद्दअमल ज़रूर आ रहा है, लेकिन वो कोई खुल के इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। देखिए ना, जबकि सुप्रीम जजमेंट जी जी उसके बाद किसी कमीशन की आप मुझे बता दीजिए जरूरत है। अरे फैजाबाद धरना जजमेंट जो है 2019 वैसे अब आपकी ऑडियो हम तक सही तरह से नहीं पहुंच पा रही, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद सियासी मंजरनामे के ऊपर बात करेंगे और महंगाई कैसे कंट्रोल हो की, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दिलचस्पी जाहिर की, और बड़ा खुश उनका जो ये दौरा है इसके ऊपर, और जो हमारी स्पेशल कमेटी है सरमायाकारी के हवाले से वो इसके ऊपर काम कर रही है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।